मैं एक हिंदू के रूप में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के येवला सम्मेलन में यह ऐलान किया था, लेकिन उन्हें हिंदू धर्म को छोड़ने में पूरे 21 साल का वक्त लग गया। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि पर अपने लाखों अनुयायियों के साथ में उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। लेकिन बौद्ध धर्म ही क्यों? डॉक्टर अंबेडकर ने मुसलमान, सिख या फिर क्रिश्चियन बनने का फैसला क्यों नहीं किया? बौद्ध धर्म की किन बातों ने डॉक्टर अंबेडकर को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, और आखिर क्यों डॉक्टर अंबेडकर को एक बेहतर धर्म ढूंढने में 21 साल लग गए? जय भीम दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान, और इस वीडियो में आगे हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे अपील है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो द प्रिंट के लिए लिखे गए सिद्धार्थ जी के एक लेख पर आधारित है, इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि आखिर हिंदू धर्म छोड़ने के बाद डॉक्टर बीआर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया? इसके बारे में कई तरह के भ्रम भी फैलाए गए हैं। इसी संदर्भ में अक्सर ये सवाल भी पूछा जाता है कि आखिर उन्होंने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और ईसाई या फिर इस्लाम या सिख धर्म को क्यों नहीं अपनाया। इन सवालों का मुकम्मल जवाब डॉक्टर अंबेडकर के लेख बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य में लिखा हुआ है। इस लेख में उन्होंने बताया कि क्यों बौद्ध धर्म उनकी नज़रों में श्रेष्ठ है और क्यों ये पूरी मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। मूल रूप में ये लेख अंग्रेजी में बुद्धा एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन नाम से है, और ये कलकत्ता की महाबोधि सोसाइटी की मासिक पत्रिका में 1950 में प्रकाशित हुआ था। ये लेख डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस के खंड 17 के भाग 2 में भी आपको मिल जाएगा। इस लेख में उन्होंने दुनिया के सर्वाधिक प्रचलित 4 धर्मों बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम की तुलना की है। वे इन चारों धर्मों को अपनी अलग अलग कसौटियों पर कसते हैं। बुद्ध का मानवीय रूप बाबा साहेब को पसंद आया। सबसे पहले वे इन चारों धर्मों के संस्थापकों, पैगंबरों और अवतारों की तुलना करते हैं। वे लिखते हैं कि ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह खुद को ईश्वर का बेटा घोषित करते हैं और अनुयायियों से कहते हैं कि जो लोग ईश्वर के दरबार में प्रवेश करना चाहते हैं उन्हें उनको ईश्वर का बेटा स्वीकार करना होगा। इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद खुद को खुदा का पैगंबर घोषित करते हुए घोषणा करते हैं कि मुक्ति चाहने वालों को न केवल उन्हें खुदा का पैगंबर मानना होगा, बल्कि ये भी स्वीकार करना होगा कि वही अंतिम पैगंबर हैं। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म की बात करते हैं। हिंदू धर्म के बारे में वे कहते हैं कि इसके अवतारी पुरुष तो ईसा मसीह और मोहम्मद से भी आगे बढ़कर खुद को परमपिता परमेश्वर घोषित कर देते हैं। बुद्ध ने कभी मुक्तिदाता होने का दावा नहीं किया। इन तीनों की तुलना गौतम बुद्ध से करते हुए डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि बुद्ध ने एक मानव के ही बेटे के तौर पर जन्म लिया, एक साधारण पुरुष बने रहने पर संतुष्ट रहे और एक साधारण व्यक्ति के रूप में अपने धर्म का प्रचार करते रहे। उन्होंने कभी किसी अलौकिक शक्ति का दावा नहीं किया और न ही अपनी किसी अलौकिक शक्ति को सिद्ध करने के लिए चमत्कार दिखाए। बुद्ध ने मार्गदाता और मुक्तिदाता में स्पष्ट भेद किया। ईसा, पैगंबर मोहम्मद और कृष्ण ने अपने को मोक्षदाता होने का दावा किया, जबकि बुद्ध केवल मार्गदाता होने पर ही संतुष्ट थे। डॉक्टर अंबेडकर ऐसा कोई भी धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे जिसमें ईश्वर या ईश्वर के बेटे, पैगंबर या खुद ईश्वर के अवतार के लिए कोई जगह हो। उनके गौतम बुद्ध एक मानव हैं और बौद्ध धर्म एक मानव धर्म है जिसमें ईश्वर के लिए कोई जगह नहीं है। बौद्ध धर्म विश्वास नहीं, तर्क और अनुभव पर आधारित है। इन चारों धर्मों की तुलना डॉक्टर अंबेडकर ईश्वरीय वाणी के संदर्भ में करते हैं। वे लिखते हैं कि इन चारों धर्म प्रवर्तकों के बीच एक और भेद भी है। ईसा और मोहम्मद दोनों ने दावा किया कि उनकी शिक्षा ईश्वर या अल्लाह की वाणी है, और ईश्वर वाणी होने के कारण इसमें कोई गलती नहीं हो सकती और ना ही इस पर शक किया जा सकता है। कृष्ण भी अपनी खुद की ही धारण की हुई उपाधि के मुताबिक विराट रूप परमेश्वर थे, और उनकी शिक्षा चूंकि परमेश्वर के मुंह से निकली हुई है, ईश्वर वाणी थी, इसलिए इसमें किसी प्रकार की गलती होने का सवाल ही नहीं उठता। इन तीनों की तुलना बुद्ध से करते हुए अंबेडकर लिखते हैं कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा में इस तरह के अंतिम सत्य होने का दावा नहीं किया। महापरिनिर्वाण सूत्र में उन्होंने आनंद को बताया कि उनका धर्म तर्क और अनुभव पर आधारित है।
बुद्ध ने यह भी कहा कि उनके अनुयायियों को उनकी शिक्षा को केवल इसीलिए सही और जरूरी नहीं मान लेना चाहिए कि ये उनकी यानी बुद्ध की दी हुई है। यदि किसी विशेष समय और विशेष स्थिति में इस शिक्षा में से कोई बात सटीक न मालूम होती हो तो इसमें उनके अनुयायी सुधार कर सकते हैं और कुछ चीजों का त्याग भी कर सकते हैं। बौद्ध धर्म में सुधार, संशोधन और विकास की संभावना है। डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि बुद्ध चाहते थे कि उनके धम्म पर भूतकाल के मुर्दा बोझ न लादे जाएं और उनका धम्म जो है वो सदा बाहर रहे और सभी वक्त के लिए उपयोगी भी रहे। यही कारण था कि उन्होंने अपने अनुयायियों को जरूरत पड़ने पर धर्म को संवारने सुधारने की स्वतंत्रता दी। वे लिखते हैं कि किसी भी अन्य धर्म उपदेशक ने ऐसा करने का साहस नहीं दिखाया। बुद्ध एंड फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन शीर्षक के अपने इसी लेख में डॉक्टर अम्बेडकर का कहना है कि धर्म को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। वे लिखते हैं कि धर्म को यदि वास्तव में कार्य करना है तो उसे बुद्धि या तर्क पर आधारित होना चाहिए, जिसका दूसरा नाम विज्ञान है। फिर वे धर्म को स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की कसौटी पर कसते हुए लिखते हैं कि किसी धर्म के लिए इतना पर्याप्त नहीं कि उसमें नैतिकता हो। उस नैतिकता को जीवन के मूलभूत सिद्धांतों, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को मानना चाहिए। इन तुलनाओं के बाद डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध की उन अन्य विशेषताओं को रेखांकित करते हैं जिनके चलते उन्हें बौद्ध धर्म अन्य धर्मों से सर्वश्रेष्ठ लगा। वे लिखते हैं कि ये तमाम बातें शायद बहुत आश्चर्यजनक प्रतीत हों, यह इसलिए कि जिन लोगों ने बुद्ध के संबंध में लिखा है उनमें से एक बड़ी संख्या में यह सिद्ध करने पर जोर लगाया कि बुद्ध ने केवल एक ही बात की शिक्षा दी और वो है अहिंसा। वे लिखते हैं कि ऐसा मानना बहुत बड़ी गलती थी। वे आगे लिखते हैं कि यह सच है कि बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा दी है। मैं इसके महत्व को कम नहीं करना चाहता क्योंकि यह एक ऐसा महान सिद्धांत है कि यदि संसार इस पर आचरण नहीं करता तो उसे बचाया नहीं जा सकेगा। मैं जिस बात पर बल देना चाहता हूँ वो ये है कि बुद्ध ने अहिंसा के साथ ही समानता की शिक्षा दी, न केवल पुरुष और पुरुष के बीच समानता बल्कि पुरुष और स्त्री के बीच समानता की भी। समानता को डॉक्टर अम्बेडकर किसी धर्म का सबसे मूलभूत सिद्धांत मानते थे। वे लिखते हैं कि हिंदू धर्म का असली सिद्धांत असमानता है। चातुर्वर्ण्य का सिद्धांत इस असमानता के सिद्धांत का ठोस और जीता जागता साकार रूप है। बुद्ध चातुर्वर्ण्य के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने न केवल इसके विरुद्ध प्रचार किया और इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी बल्कि इसको जड़ से उखाड़ने के लिए सब कुछ किया। हिंदू धर्म के मुताबिक न शूद्र और न नारी धर्म के उपदेशक हो सकते थे, न ही वो संन्यास ले सकते थे और न ही ईश्वर तक पहुंच सकते थे। दूसरी ओर बुद्ध ने शूद्रों को भिक्षु संघ में शामिल किया। उन्होंने नारी के भिक्षुणी बनने के अधिकार को स्वीकार किया। अम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा 1936 में अपने मशहूर भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कर दी थी, लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन 1956 में जाकर किया। इस बीच उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया और फिर अपने हिसाब से श्रेष्ठ धर्म का चयन किया। अच्छे और कल्याणकारी धर्म की उनकी खोज उन्हें बौद्ध धर्म तक ले गई, इसलिए उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। उन्होंने कहा था, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। बाबा साहब के ये शब्द आज भी उनके अनुयायियों को बुद्ध की ओर जाने की प्रेरणा देते हैं। उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमें Facebook, Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद कर रही हैं मेरी सहयोगी अज़रा परवीन। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।